महोबा में ई रिक्शा में सवार एक ही परिवार के 6 लोग सड़क हादसे की चपेट में आ गए। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से ई रिक्शा में सवार चाची और भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक और ई रिक्शा को आधा किलोमीटर तक घसीटता ले गया। सूचना के बाद भी पुलिस और एम्बुलेंस 1 घंटे की देरी से पहुंची, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। वहीं सभी 4 घायलों को हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया है। आपको बता दें, दर्दनाक सड़क हादसा जनपद के श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बड़ा नाला स्थित कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटित हुआ है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने रिक्शा में सवार एक ही परिवार के 6 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 की मौत हो चुकी है और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, जैसे ही गाँव से बाहर ये लोग निकले, वैसे ही बड़ा नाले के पास हाईवे में तेज रफ्तार ट्रक ने ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद ट्रक में ई रिक्शा फंसा हुआ आधा किलोमीटर तक घसीटता चला गया। आसपास मौजूद इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने बामुश्किल ट्रक को रोका, जिसके बाद आरोपी चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। भीषण सड़क हादसा देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसकी तत्काल सूचना स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस को दी गई, लेकिन आरोप है कि 1 घंटा से अधिक देरी के बाद पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। इसी लापरवाही के चलते राम आश्रय की पत्नी कमलेश और उसके भतीजे सुरेंद्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा इमरजेंसी वार्ड में सभी का प्राथमिक उपचार किया गया। लेकिन इस हादसे में राम आश्रय, उसकी बेटी रोशनी और पुत्र हेमंत की हालत नाजुक देख डॉक्टर ने सभी को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत होने की सूचना पर पुलिस आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। वहीं ग्रामीण और परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद पुलिस और एम्बुलेंस के देरी से आने के चलते घायल अस्पताल नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते 2 लोगों की मौत हुई है, जिस वजह से ग्रामीणों में नाराजगी है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जबकि घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस हादसे की कार्रवाई में जुटी हुई है। रिक्शा पे चले 6 लोग, ठीक जी, बड़ा स्टैंड के आगे ट्रक वाले ने सामने सामने टक्कर मार दी, जो कि रिक्शा अपनी साइड से चल रहा था, ठीक है, और आधा कम से कम नहीं तो 400 मीटर रिक्शा को खींचते चला गया ट्रक वाला। जब एक को जब वहां देखा हाल, पुलिस भी आई तो उनको अस्पताल ले आ गया। 2 को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, 1 को महोबा हॉस्पिटल में भर्ती है, 3 को झांसी रेफर कर दिया। कहाँ जा रहे थे ये पूरा परिवार? ये सब दिल्ली जा रहे थे कमाने खाने के लिए, घर से बहुत गरीब थे। दिल्ली जा रहे थे या मथुरा? मथुरा। एक ही परिवार के? एक ही परिवार के। कैसा माहौल है गांव का इस समय जब ऐसी घटना हो गई इतनी बड़ी? उस समय साहब घटना तो बहुत ज़बरदस्त हुई, हमको तो कुछ देखा नहीं गया, हालत हमारी ख़राब हो गई, तो हम तो साहब नीचे मुँह करके एक साइड बैठ गए, और बकाया पुलिस वाले जान सकते हैं, देख सकते हैं, और भी लोग आ गए थे, लेकिन हम लोगों को देखा नहीं गया, हम एक साइड बैठ गए। क्या हो गया सर? वहाँ वो तो रिक्शा जा रहा था यहाँ से, वहाँ से डंपर आ रहा था, उसने दबाया अपना रिक्शा को और डंपर ने अचानक चाबू उसको मार दी और कम से कम 400 मीटर खसोड़ के ले गया उसको, और स्पॉट में 2 बंदे ख़त्म हो गए, हमारे घर के भतीजा और एक हमारी भाभी। वहाँ पर जब फ़ोन लगाया एम्बुलेंस को तो 1 घंटे की एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं, ना कोई पुलिस की सुविधा वहाँ पर सर। कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये सब मथुरा जा रहे थे मजदूरी के लिए, काम काज करने के लिए अपने, और अब सुबह से। कितने लोग थे रिक्शे में? रिक्शे में 6 लोग थे, ड्राइवर समेत 6 लोग थे रिक्शे में। एक ही परिवार के? एक ही परिवार के थे भी सारे लोग। कैसी हालत है बाकी की? बाकियों की तो सब सीरियस सर, बहुत भी गंभीर चोट लगी हुई है, सबकी हालत बहुत नाजुक है। इस समय देखा जाए तो सारा परिवार हमारा गाँव वो तो बहुत दिक्कत में, इससे कि कोई वहाँ पर ना पुलिस प्रशासन ना कोई एम्बुलेंस, बताइए 2-2 घंटा एम्बुलेंस नहीं आई तो क्या मरीज जिंदा रहेंगे या हम मर जाएंगे? जब हमने वीडियो बनाने की तो पुलिस वाली मना कर रहे, बोले वीडियो ना बनाइए। तो जी क्या है प्रशासन की, ऐसे चल सकता है सर राज्य में क्या है? अच्छा, ट्रक पकड़ा या नहीं पकड़ा? ट्रक हमने कहीं यहाँ रख दो, यहीं ट्रक पुलिस वाले ले गए और रिक्शा को भी पुलिस वाले ले गए।